और चलिए अब चर्चा करेंगे दमोह केस की। गंगा जमुना स्कूल मामले को लेकर बच्चे और परिजन अब सामने आए। मीडिया के सामने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ से नए नए खुलासे हो रहे हैं। स्कूल की एक छात्रा ने हिजाब पहनने, दबाव बनाने, नमाज पढ़ने सहित कई मामलों को लेकर खुलासा किया। स्कूल के एक छात्र ने कलावा और टीका लगाकर नहीं स्कूल आने दिया जाता था, इस पॉलिसी का भी खुलासा किया है। बच्चों के एक अभिभावक ने स्कूल के बारे में कई बड़ी बातें कही हैं। लगातार नए नए खुलासे गंगा जमुना स्कूल को लेकर सामने आ रहे हैं। कार्रवाई का दौर एक तरफ जारी और दूसरी तरफ बच्चों की तरफ से भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने को लेकर दबाव बनाया जाता था। अगर कलावा और टीका पहनकर स्कूल आते थे तो विरोध किया जाता था, स्कूल की पॉलिसी थी। बच्चों के अभिभावक की तरफ से भी बात कही गई कि स्कूल के बारे में तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आपत्तिजनक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं तीन तस्वीरें। दमोह के हिजाब वाले स्कूल में लब पे आती है दुआ गाते छात्राएं देखी जाती हैं। दूसरी तस्वीर टीचर्स के धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। तीसरी तस्वीर में हिंदू छात्राएं हिजाब में नजर आ रही हैं। सर तिलक लगा के जाते थे तो वो लोग मिटवा देते थे और हाथ में कलावा बांध के जाते थे तो वो लोग कहते कि ये नहीं पहन के आया करो और मारते थे। कौन करता था ये सब कुछ? सर बड़े सर। कौन थे बड़े सर? बड़े सर क्या क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये सब पहन के नहीं आया करो, स्कूल में नहीं चलता। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? फिफ्थ। और किस किस तरह से परेशान करते थे? सर उर्दू नहीं बनती थी हमसे तो वो लोग जबरदस्ती उर्दू पढ़वाते थे और पहन के जाते थे और जैसे दो दिन गए थे तो मारते थे स्टिक से और उठक बैठक करवाते थे। हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन इंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। और इस पूरे मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान सामने आया। उन्होंने अफसरों की लापरवाही की बात करते हुए कहा कि सभी ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाई। डीईओ को हटाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। दमोह कलेक्टर ने भी तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया, ये बड़ी बात सामने आई है। कलेक्टर पर एक्शन लेने का काम सीएम करेंगे। अवैध गतिविधियों की जांच चल रही है और स्कूल की मान्यता को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन को, वहां के कलेक्टर को तत्काल कार्रवाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन यानी कलेक्टर लगातार प्रेस में आकर के उसको बचाव करने के बयान दे रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है तत्काल उस डीओ को हटाना, साथ में उनकी क्या भूमिका रही है, उनकी लापरवाही कह रही है, उसको भी जांच के दायरे में हम ले रहे हैं। जांच आने पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और हमारी ओर से ये प्रयास होगा कि हम एक नीति बनाएं यूनिफॉर्म को लेकर, ड्रेस को लेकर के, जो इस प्रकार का व्यवहार ऐसे संचालक करते हैं उन पर नियंत्रण रखने का। और दमोह से अगली बड़ी जानकारी, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के चेहरे पर स्याही फेंकी गई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी, इसी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। गंगा जमुना स्कूल मामले में लगातार आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है हिंदू संगठनों का, स्याही फेंकने का यह मामला। अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठने के बाद आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा पर स्याही फेंकी गई, ये तस्वीरें आप देखिए। हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे, जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल थे। ये पाया गया था कि उनकी संलिप्तता भी इस पूरे मामले को लेकर है और उसके बाद जैसे ही कार्यकर्ता आक्रोशित हुए स्याही फेंकी गई। और इसी मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी, गंगा जमुना स्कूल की तीनों शिक्षिकाएं सामने आई हैं। मीडिया के सामने शिक्षिकाओं का बयान भी दर्ज किया गया है। स्कूल पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद टीचर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि बेबुनियाद आरोप इस पूरे मामले को लेकर स्कूल पर लग रहे हैं। स्कूल में धर्मांतरण नहीं हुआ है। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने पहुंची हैं शिक्षिकाएं। स्कूल में ज्वाइनिंग के काफी पहले उन्होंने विवाह कर लिया था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और हमारे मोहम्मद सर, हाजी मोहम्मद इदरीस सर, उनका इस बारे में इस मैटर से लेके कोई संबंध नहीं है। हम लोग का वो पर्सनल डिसीजन था, तो इस बात को आप स्कूल से क्यों जोड़ रहे हो? आपका अभी जो नाम है अफसा शेख है, अफसा शेख, इसके पहले आपका क्या नाम था? जी मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव। परिवार की सहमति से हुआ? जी मेरी खुद की सहमति, जब मैं बालिग हो गई, मुझे संविधान भी ये अधिकार देता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से धर्म को मान सकती हूँ। प्रेम विवाह? जी प्रेम विवाह। पहले मेरा नाम प्राची जैन था, उसके बाद जब मेरा निकाह 27/1/2004 में हुआ
और वो भी मेरी मर्जी से हुआ, किसी का दबाव नहीं था। स्कूल का तो बिल्कुल नाम जो लिया जा रहा है, बार बार मीडिया ले रही है, हाजी सर का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेरा निकाह हुआ था 27/1/2004 में और स्कूल खुला है 2012 में, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन की है। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे दोस्त सही के आशीष जैन दमोह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना दुबे भोपाल से हमें रिपोर्ट करें। आशीष, नित नए खुलासे दमोह के इस धर्मांतरण के केस को लेकर सामने आ रहे हैं, अब शिक्षिकाओं की तरफ से भी बयान, अभी तक क्या कुछ तथ्य इस केस से जुड़े सामने आ पाए? अनिश्चित में आपको बता दूं कि धर्मांतरण का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टर विवाद से यह पूरा विवाद शुरू हुआ और धर्मांतरण पर जाकर के अभी तक की अपडेट थी, तो दोपहर होते होते इसमें नया खुलासा सामने आया है। चूंकि इसमें तीन शिक्षिकाओं के जो नाम लिए जा रहे थे, जिनके धर्मांतरण की बात कही जा रही थी, वो शिक्षिकाएं स्वयं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, वहां पर उनके द्वारा आवेदन दिया गया और यह कहा गया कि उनके द्वारा बालिग होने पर स्वेच्छा के साथ धर्म परिवर्तन किया गया, शादी की गई, इसका गंगा जमुना स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि स्कूल उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, उसके पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया और धर्मांतरण किया है, लेकिन इससे वो गंगा जमुना स्कूल को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है धर्मांतरण को लेकर के, उससे कहीं भी कनेक्शन नहीं है। तो इस मामले पर लगातार परत दर परत नई चीजें खुलकर के सामने आ रही हैं। तो अब यही बात है आशीष के, नित नए खुलासे हो रहे और लगातार उलझता जा रहा है अभी मामला। दमोह से निकलकर भोपाल तक पहुंचने में इस मामले को बिल्कुल भी देर नहीं लगी। रंजना, कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहा, सीएम ने भी सख्ती दिखाई और अब सिलसिलेवार कई बड़े खुलासे। जी अवंतिका, बिल्कुल दमोह का जो गंगा जमुना स्कूल है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसमें कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं दमोह में, उन्होंने जब स्कूल को मान्यता दी और उस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से काम किया तो इसमें लापरवाही की गई है और अभी फिलहाल डीओ की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल डीओ को हटाने के जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। कलेक्टर की भूमिका को लेकर कहा है कि जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए वो खुद सीएम लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में जहां तक स्कूल संचालक का सवाल है, जिस तरीके से धर्मांतरण, पीएफआई कनेक्शन और टेरर फंडिंग की बातें निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की कार्रवाई रहती है। वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना फिलहाल जानकारी के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार और सूरीनाम के लोगों की ओर से ये विशेष भाव दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने पर बधाई। सूरीनाम की सरकार और लोगों का ये विशेष भाव हमारे देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक होगा।